नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगी विटामिन B1 के बारे में, जिसका नाम थायमिन भी है। इसके स्रोत, कार्य और इसके जो कमी से क्या होता है वह देखेंगे। इसके स्रोत जो है विटामिन B1 का, पादप बीजों के वायवरण थायमिन में विशेष रूप से समृद्ध होते हैं। संपूर्ण गेहूं की रोटी इस विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत है, जबकि साधारण डबल रोटी में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि निर्माणी प्रक्रिया में अधिकांश थायमिन निष्कासित हो जाता है। अपरिष्कृत धान्य कण, फलियां, खमीर, यकृत, वृक्क तथा पोर्क के तनु टुकड़े इस विटामिन के प्रचुर स्रोत हैं। अधिक प्राक्रिया के कारण अनेक भोज्य पदार्थ जो है जल में विलेय थायमिन का निक्षालन हो जाता है। यह जो विटामिन B1 है वह जल में घुलनशील है, जल में मिलने से यह नष्ट हो जाता है। इसके कार्य को देखें तो यह एंजाइम थायमिन पाइरोफास्फेट का एक रचक है तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए आवश्यक होता है। इसकी न्यूनता से क्या होता है, यदि कम हो विटामिन 1 तो क्या होता है? थायमिन की कमी के कारण बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। एडमिरल टकारी ने 1887 में जापानी नाविकों में सर्वप्रथम इस रोग का वर्णन किया। आज भी यह रोग फिलीपीन द्वीप समूह, वियतनाम, थाईलैंड तथा म्यांमार में, जहाँ की प्रमुख भोजन पालिश किए हुए चक्की के चावल होता है, एक भीषण जो है स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। बेरी बेरी मुख्य रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र, जठरांग क्षेत्र तथा हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करता है। इस रोग के दो रूप होते हैं, जिन्हें क्रमशः शुष्क और आर्द्र बेरी बेरी कहा जाता है। शुष्क बेरी बेरी में पेशी क्षय तथा शारीरिक भार में शीघ्रता से हानि होने लगती है। परिधीय तंत्रिका शोथ तथा पेशी दुर्बलता के कारण रोगी लगभग असहाय हो जाता है। गहन प्रतिवर्तन मंद हो जाते हैं। व्याग्रता और मानसिक भ्रम अस्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगते हैं। हृदय का आकार बड़ा हो जाता है। आर्द्र वेरी वेरी में शरीर में सामान्य सूजन तथा जलीय शोथ उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण दुर्बलता और पेशी क्षय स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तीव्र हृदय लक्षण शीघ्रता से उत्पन्न होने लगते हैं। थायमिन की प्रतिदिन मात्रा को अगर देखें तो 0.9 से 1.6 mg इसकी जो है डेली का जरूरत है। तो ये था विटामिन B1। धन्यवाद।